दोस्तों आज मैं आप लोगों को एसीटी के बारे में बताऊंगा। क्रेन ऑपरेटर का जब इंटरव्यू होता है तो क्या पूछा जाता है, एसीटी क्या होता है और एसीटी काम किस तरह से करता है, मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, ये किसके साथ आपका सेफ्टी दिया हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल का जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो पावर और कंट्रोल का कनेक्शन किस तरह से करना है, कौन सा पैनल के साथ आपको इंटरलॉक देना है और एसीडी को आपको सेटिंग किस तरह से करना है। अगर हम एसीडी लगाएंगे तो हमारा कौन कौन सा फॉल्ट नहीं आएगा और इससे हमारा फायदा क्या होगा, आज दोस्तों जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बोला कि एसीडी क्या होता है, एसीडी का फुल फॉर्म होता है एंटी क्लोजिन डिवाइस, और ये हम लोगों को किस लिए लगाया जाता है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए। जैसे दोस्तों मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं कि मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ग्रेविटी लिमिट और रोटरी लिमिट रहता है, सीटी और एलटी, क्रॉस ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, इसमें लीवर टाइप लिमिट स्विच रहता है। इसी तरह से दोस्तों जो आपका लॉन्ग ट्रेवल है, लॉन्ग ट्रेवल में आपका एसीडी लगा हुआ रहता है। जो आपका एक क्रेन दूसरे के साथ धक्का मारता है, एक क्रेन दूसरे के साथ टक्कर लेता है, एक क्रेन देखिएगा दूसरे के साथ बहुत जोर से धड़ाम से धक्का मारा, तो ये जो आपका धक्का मारता है अगर आपका एसीडी लगा हुआ रहेगा तो किसी तरह से आपका धक्का नहीं मार पाएगा, क्योंकि एसीडी में आपका रेजर लाइट लगा हुआ रहता है और इसमें आपको डिस्टेंस सेटिंग करना पड़ता है कि 4 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर कितना डिस्टेंस अगर आप सेटिंग कर दिए हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, एलटी बंद हो जाएगा और जो आपका ठोकर मार रहा है बहुत जोर से वो किसी भी हाल में धक्का नहीं मार सकता है, क्योंकि इसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। जैसे ही आपका 4 मीटर में अगर आप सेटिंग किए हैं, 4 मीटर का डिस्टेंस में आएगा तो आपका फॉरवर्ड के साथ अगर इंटरलॉक दिया हुआ है तो फॉरवर्ड साइड आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्रेन ऑपरेटर चाके भी आपका चालू नहीं कर पाएगा, उस टाइम आपका क्या होगा, रिवर्स साइड चलेगा लेकिन फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा। जिस तरह से दोस्तों लिमिट स्विच काम करता है, सेम टू सेम आपका एसीडी काम करता है। क्रेन ड्राइवर को आप बोलिएगा एक क्रेन दूसरे क्रेन के साथ धक्का मत मारो, लेकिन वो धक्का मारेगा ही, और धक्का मारने के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आता है। जो आपका एलटी पैनल में एमसीसी भी लगा हुआ रहता है, पावर सर्किट में एमसीसी भी आपका ट्रिप हो जाता है, और एलटी पैनल में जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ रहता है, ये कॉन्ट्रेक्टर दोनों एक साथ ऑन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों कॉन्ट्रेक्टर एक साथ में हमारा चिपक गया, लेकिन किस लिए चिपका वो भी आपको देखना जरूरी है। बहुत सा फ्रेंड ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एलटी का कॉन्ट्रेक्टर एक साथ दोनों चिपक जाता है, तो जब देखिए बहुत जोर से एक क्रेन दूसरे के साथ धक्का मारेगा तो उसी टाइम इसी टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन क्रेन ड्राइवर का आप कितनों बार भी बोलिएगा वो धक्का मारेगा ही, वो कभी भी बंद नहीं करता है, और ये सब होता है आपका प्रैक्टिकल में। जब आप बड़ा बड़ा कंपनी में काम कीजिएगा तो आपको क्रेन में एसीडी लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक ही सेट में आपका 10 गो 20 गो 30 गो करके क्रेन रहता है, एक क्रेन दूसरे को किसी भी हाल में धक्का नहीं मार सकता है। अगर आप पूरा फुल स्पीड पे भी चलाएगा और 4 मीटर का डिस्टेंस में आप सेटिंग कर दीजिएगा तो एक क्रेन दूसरे के पास जब तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक वो स्लो हो जाएगा और धक्का जो लगेगा बहुत धीरे से लगेगा, जोर से किसी भी हाल में नहीं लगेगा। इसीलिए क्रेन ऑपरेटर से भी पूछा जाता है कि एसीडी क्या होता है और कौन सा इससे हम लोगों को सेफ्टी मिलता है। इससे एक ही सेफ्टी है कि एक क्रेन दूसरे के साथ किसी भी हाल में टकराएगा नहीं, और जब तक एक दूसरे के साथ टकराएगा नहीं, जो आपका क्रेन ऑपरेटर का केबिन में शीशा लगा हुआ है, किसी भी हाल में आपका शीशा टूटेगा भी नहीं। ऐसा बहुत बार देखा गया है एक क्रेन दूसरे के साथ इतना जोर से धक्का मारा है कि केबिन में जो आपका शीशा लगा हुआ है
टूट के नीचे गिर के एक्सीडेंट हो गया है, तो एसीडी लगा हुआ रहेगा तो किसी भी हाल में आपका जोर से धक्का नहीं मारेगा। अभी ये जो आपका एसीडी है इसका सेटिंग किस तरह से करना है, तो क्रेन में हम लोगों को दो गो कनेक्शन मिल जाता है, एक मिलता है हम लोगों को 110 वोल्ट एसी का और एक मिलता है हमारा 220 वोल्ट एसी का। अभी के डेट में ये दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो हमारा एसीडी है एंटी क्लोजिंग डिवाइस, तो इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है 48 वोल्ट से ही ऑपरेट होगा। तो 48 वोल्ट तो क्रेन में रहता नहीं है, 110 वोल्ट से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, 220 वोल्ट से भी कर सकते हैं। 220 रहे या 110, कनेक्शन आपको क्या करना है, ये जो आपका फेज है इसमें आपको फेज का कनेक्शन करना है, जो आपका न्यूट्रल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी कनेक्शन करने के बाद इसमें जो आपका डिस्प्ले जलेगा इसको आपको सेटिंग करना है कि कितना डिस्टेंस में आपको करना है कि क्रेन हमारा बंद हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो INC बटन है इसको आपको दबा के रखना पड़ेगा और दबा के रखने के बाद ये जो पावर है पावर को आपको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप पावर को ऑन करिएगा तो इसके अंदर में आपका रिले लगा हुआ है, तो एक नंबर रिले का आपको डिस्टेंस सेटिंग करना है। तो ये बटन को जब आप दबाइएगा तो 1, 2, 3, 4 करके बढ़ेगा, मतलब कितना डिस्टेंस में आपको सेटिंग करना है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं 4 मीटर में ही सेटिंग करते हैं। अभी 4 मीटर कर दिए इसको दबा दबा के, उसके बाद सेट वाला बटन जब दबा दीजिएगा तो रिले 1 4 मीटर में आपका सेट हो जाएगा। अभी दूसरा जो और एक रिले रहता है इसको किस तरह से सेट करना है, इसके लिए फिर आपको पावर बंद करना है और शिफ्ट वाला बटन आपको दबा कर रखना है। दबाने के बाद फिर पावर ऑन करना है, ऑन करने के बाद 2 नंबर रिले का डिस्टेंस आपको कितना रखना है, 4 मीटर रखना है, तो फिर इसको दबा के 4 मीटर करना है, इसके बाद आपको सेट वाला बटन दबा देना है, तभी आपका डिस्टेंस सेटिंग हो जाएगा। अभी जो आपका LT पैनल रहता है जिसको हम लोग लॉन्ग ट्रेवल बोलते हैं, इसका जो कंट्रोल कनेक्शन है ये किस तरह से करना है, देखिएगा LT पैनल का कंट्रोल कनेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बताया हूं। और ज्यादातर SMS प्लांट में आपको ACD लगा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर कोई बड़ा कंपनी होगा तब, छोटा छोटा कंपनी में आपका ACD लगा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए एक क्रेन दूसरे के साथ बहुत जोर से धक्का मारता है। और देखिएगा क्रेन ऑपरेटर को आप कितनी बार भी बोलिएगा फिर भी वो धक्का मारेगा। अभी इसका जो LT पैनल है इसमें जो आपका पावर का कनेक्शन है इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोल कनेक्शन आपका चेंज होगा। अभी जो आपका LT पैनल में ACD लगाइएगा, इसके लिए जो न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, तो क्रेन में हम लोग को 2 सप्लाई मिल जाता है, 110 वोल्ट और 230 वोल्ट। तो न्यूट्रल सप्लाई आएगा किसमें आएगा, MCB में आएगा। ये MCB कोई कोई क्रेन में देखिएगा 6 एम्पियर का भी रहता है, 4 एम्पियर का भी रहता है, 2 एम्पियर का भी रहता है। जैसे ही हम MCB ऑन करेंगे तो हमारा न्यूट्रल सप्लाई सीधा किसमें आ जाएगा, जो आपका LT पैनल में लीवर टाइप लिमिट स्विच लगा हुआ है, लीवर टाइप लिमिट स्विच में, लिमिट स्विच जैसे ही आपका ये MCB बना हुआ रहेगा तब तक आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर काम करेगा। कोई कारण से अगर ये NO हो जाएगा तो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड साइड बंद हो जाएगा। अगर रिवर्स साइड का न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगा A2 में NO हो जाएगा तो आपका रिवर्स साइड बंद हो जाएगा। इसी टाइप से देखिएगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूं कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, इसका कंट्रोल कनेक्शन किस तरह से होता है। और ये जो ACD का आप कनेक्शन कीजिएगा इसके लिए आपका पावर सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना आपको न्यूट्रल सर्किट में कुछ चेंज करना है, जैसे कनेक्शन बना हुआ है वैसे ही आपको छोड़ देना है। अभी LT में हम लोगों का 2 गो मोटर रहता है, इसके लिए हम लोगों को थर्मल ओवरलोड रिले जो है 2 गो लगा हुआ रहता है। तो ये फेज सप्लाई किस तरह से काम करेगा, फेज सप्लाई हमारा MCB में आया, जब हम MCB ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे NC बनेगा और फेज सप्लाई आगे आएगा, किस में आएगा, ये हमारा 1 नंबर रिले में आएगा। 1 नंबर रिले का 95 में इन होगा, 96 से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद ये जो हमारा 2 नंबर रिले है फिर इसका 95 में इन होगा, 96 से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद किस में आएगा, MC मतलब मास्टर कंट्रोलर। मास्टर कंट्रोलर का सिंबल के बारे में भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूं, तो
मास्टर कंट्रोल जैसे ही आप लगाइएगा एक नंबर पे, मतलब ये एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो रिवर्स फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रेक्टर रहता है इसका एक इंटरलॉक दिया हुआ रहता है रिवर्स के साथ, तो रिवर्स का एनसी में आएगा। एक तरफ से आपका इन होगा, दूसरा तरफ से आउट होके ये कॉन्ट्रेक्टर आपका पिकअप होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ए वन है, ए वन का वायर आपको खोलना है। खोलने के बाद ये वायर को सीधे आपको कहां पे लाना पड़ेगा, ये जो आपका एसीडी है इसमें जो पी लिखा हुआ है पी वाला में आपको इन करना है। इन करने के बाद फिर ये जो एनसी है यहां से आपको आउट भी करना है, ठीक है। तो एक तरफ से इन हो गया, दूसरा तरफ से हमारा आउट हो गया। आउट होने के बाद फिर ये जो ए वन है ए वन में ही आपको कनेक्शन कर देना है। तो इस सर्किट में हमारा क्या जरूरत है, इस जगह में हम एक एनसी का सिंबल बना देंगे और इस जगह में हम लिख देंगे ए सी डी। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इस जगह में हमको ए सी डी का कनेक्शन करने के लिए बोला है। सेम टू सेम जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर में किए है, तो ये जो ए सी डी है जो आपका लॉन्ग ट्रेवल रहता है इसका दोनों तरफ जो बम्पर रहता है दोनों तरफ दो लगा हुआ रहता है। एक एसीडी से आपका नहीं होगा, एक एसीडी से आप अगर फॉरवर्ड साइड में लगाइएगा तो फॉरवर्ड साइड का ही कॉन्ट्रेक्टर बंद होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो गो लगाते हैं एसीडी। अभी इसका भी कनेक्शन आपका सेम टू सेम एनसी से ही करना है, जिस तरह से मैं बताया हूं। अभी इससे आप और एक कनेक्शन कर सकते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए इंडिकेशन लैंप भी आप लगा सकते हैं। तो इंडिकेशन लैंप भी आपका कितना वोल्ट का होना चाहिए, 110 वोल्ट का, ठीक है। और अगर 220 का होगा तो आपका क्या होगा, काम नहीं करेगा। अगर आप 220 वोल्ट का इसका इनपुट में सप्लाई दिए हैं तो इंडिकेशन लैंप भी आपको 220 वोल्ट का लगाना है। 110 वोल्ट दिए है तो 110 वोल्ट का ही लगाना है। अभी 110 वोल्ट का आप इंडिकेशन लैंप लगा दिए, फिर इसका जो एनो है एनो से आपको दे देना है, ठीक है, आउटपुट। और ये जो आपका फेज सप्लाई है ये सीधा क्या किस में जाएगा, ये फेज के साथ एक लूप हो जाएगा। और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल दे देना पड़ेगा। तब क्या होगा, जैसे ही आपका ये जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट जैसे ही एनो होगा तो आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर बंद हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर बंद हो जाएगा तो ये जो एनसी पॉइंट ये जो एनो पॉइंट है ये आपका एनसी हो जाएगा। जैसे एनसी होगा तो इंडिकेशन लैंप आपका जल जाएगा, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, न्यूट्रल सप्लाई दिया हुआ है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को कनेक्शन बताया हूं इसी तरह से आपको सेम टू सेम करना है। और ये जो आपका ब्रेक के लिए कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ रहता है और जो टाइमर लगा हुआ रहता है ये सबको आपको कुछ भी छेड़खानी करना नहीं है। ये जिस तरह से कनेक्शन बना हुआ है सेम टू सेम कनेक्शन बना रहेगा। सिर्फ आपको दोनों कॉन्ट्रेक्टर का ए वन को खोल के ही कनेक्शन करना है। अगर आप दो को लगाना है तो दो को भी लगा सकते हैं, एक को लगाना है तो एक को लगा सकते हैं। अभी क्रेन ऑपरेटर क्या होगा, एलटी में जब आप लगा दीजिएगा, मतलब लॉन्ग ट्रेवल में जब लगा दीजिएगा, इसका लेजर लाइट इसमें गिरेगा दूसरा क्रेन में, 4 मीटर का डिस्टेंस में जैसे ही आएगा ये जो एनसी पॉइंट है ये ऑटोमेटिक आपका एनओ हो जाएगा। जैसे ही एनओ होगा तो आपका फॉरवर्ड वाला बंद हो जाएगा, और अगर दो को एसीडी लगा हुआ है तो एक बार रिवर्स वाला बंद होगा। लेकिन कनेक्शन में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर हमारा रिवर्स साइड बंद है तो फॉरवर्ड साइड चलना चाहिए, और फॉरवर्ड साइड का एसीडी जब काम करेगा, ठीक है, तो रिवर्स साइड हमारा चलना चाहिए। जब आप कनेक्शन एक बार अपने हाथ से कर लीजिएगा तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।